तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग का जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोज। या खोज से यह स्पष्ट होता है कि इसमें नए नए जगहों नए नए देशों का खोज करने का विस्तार के बारे में पता लगाने का काम किया गया है। और भौगोलिक खोज, अब भौगोलिक खोज पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि भौगोलिक खोज के कौन कौन से कारण है। पहला कारण हम लोग ने पढ़े हुए थे नए देशों की खोज। नए देशों की खोज जो है, नए देशों की खोज में सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल सबसे आगे था, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल के लोग काफी उत्साही प्रवृत्ति के थे, कौतूहल प्रवृत्ति के थे। वे नए नए देशों नए नए जगहों को खोज करने में काफी अहम भूमिका निभाते थे। वहाँ स्पेन और पुर्तगाल के जो राजा रानी थे वे अपने यहाँ जो खोजों में रुचि रखते थे उनको मोटिवेट करने में, आगे उत्साहित करने में लोग काफी जो है सपोर्ट करते थे। इसीलिए नए देशों की खोज में स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने काफी अहम भूमिका निभाया। अगला पॉइंट है मौसम की जानकारी। मौसम की जानकारी के तहत देखते हैं कोई भी काम करते हैं तो मौसम की सटीक जानकारी होनी चाहिए। अगर मौसम की जानकारी हमें नहीं है तो हो सकता है कि समय और श्रम हमको काफी लगेगा। अगर मौसम की सटीक जानकारी है, मौसम परफेक्ट है, मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं तो हम काम को सही तरीके से कर पाते हैं। तो कहने का सीधा आशय यह है कि मौसम की जानकारी में हमें दो तीन चीज खोज हो गई। पहला यह खोज हुआ कुतुब नुमा, नुमा का एक नाम है कंपास। कंपास को कुतुब नुमा कहते हैं, कुतुब नुमा को कंपास कहते हैं। कि दोनों को हम लोग कहते हैं दिशा सूचक यंत्र। जब आपको दिशा सूचक यंत्र के बारे में जानकारी मिल जाती है तो आप अपनी दिशा पर सही तरीके से पहुंच सकते हैं। जब आपको दिशा सूचक यंत्र के बारे में दिशा का सटीक जानकारी नहीं मिलेगा तो आप अपने सही दिशा और सही पथ पर पहुंचेंगे, कदापि नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए कुतुब नुमा कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र की खोज होने के बाद हम लोग नए देशों नए जगहों के बारे में पता लगाने में सक्षम हो गए और इस तरह से हम लोग नए नए देशों का पता लगाने में आगे बढ़ते गए। एक यंत्र था जिसका नाम था एस्ट्रोलॉग, जो वह अक्षांश बताने का काम करता था। अक्षांश बताने वाला उपकरण है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉग। कोई कोई कहता है कि एस्ट्रोलॉग क्या है, आपको बताइए कि एस्ट्रोलॉग जो होता है यह एस्ट्रोलॉग जो होता है यह पूरी तरह से अक्षांश बताने वाला उपकरण है। यहाँ पर एक पॉइंट हम लिखे हुए थे दूरबीन। यह जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। कभी कभी समान ज्ञान के बारे में पूछा जाता है कि दूरबीन का खोज किसने किया था। दूरबीन को टेलीस्कोप कहते हैं यानी दूरदर्शी यंत्र कहते हैं जो दूर की वस्तुओं को देखने में यह सक्षम है। तो दूरबीन का खोज किया था, गैलीलियो ने किया था। और आगे हमारा आता है वैज्ञानिक उपकरणों का विस्तार। वैज्ञानिक उपकरण जितने सारे होते हैं या वैज्ञानिक उपकरण की खोज करने से हम लोग को क्या हुआ, पूरी तरह से हम लोग भौगोलिक खोज में आगे बढ़ गए। तीसरा पॉइंट है और आगे है व्यापार का विकास। जब नए देशों की खोज हो जाएगा, मौसम की सटीक जानकारी मिल जाएगी और नए नए वैज्ञानिक आविष्कार होंगे, नए नए उपकरण की खोज होगा तो व्यापार का काफी विकास होगा। और व्यापार के विकास होने के कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह अपने सामान को पहुंचाने लगे और बेचने लगे। आगे है धर्म युद्धों का प्रभाव। धर्म युद्ध के चलते जैसे धर्म युद्ध को अंग्रेजी में क्रूसेड कहते हैं, इजराइल पर कब्जा करने के लिए यरूशलेम जगह वहां पर धर्म युद्धों का प्रभाव हुआ था। बाद में पूर्वी देश यूरोप वालों के संपर्क में आ गए। अगला पॉइंट है कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने 1453 में कब्जा कर लिया था। तुर्कों ने यूरोप वालों के लिए अपना गेट बंद कर दिया तो यूरोप वालों ने दूसरे रूप नए जगहों का पता लगाया, इससे भौगोलिक खोजों को बल मिला। एक है राज्यों का उत्कर्ष। राज्यों का नए नए राज्यों का उत्कर्ष हुआ और नए नए राज्यों का उत्कर्ष होने के बाद में लोगों को पुर्तगाल हुआ, स्पेन हुआ, उसको अपना व्यापार बिजनेस करने में काफी बल मिला। तो यह है भौगोलिक खोज के कारण। अगर कोई भी पूछे कि भौगोलिक खोज के कारण कौन कौन है तो पहला बताइए उनको नए देशों की खोज, दूसरा बताइए मौसम की जानकारी, तीसरा बताइए कि नए जगह की नया वैज्ञानिक आविष्कार या उपकरण की, और उसके बाद चौथा है यहाँ पर व्यापार का विकास, पांचवा है धर्म युद्धों का प्रभाव, छठा है कुछ दुनिया का पतन और सातवां है राज्यों का विकास। इतना ही है।